किसी का नाम है डबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब व्यक्ति का चरित्र क्या होगा, दोहरा हो जाए, ठीक है। और दोहरा होने का एक्चुअल जो रीजन है, जितने भी जानवर है किसी को रोग, ये सब रोग नहीं होता है, आदमियों को सब रोग क्यों होता है, अपेक्षाएं हमारी ज्यादा है, ठीक है। हमने क्या हुआ, लोगों को घेराबंदी शुरू कर दिया, सब कुछ को हम ही चाहते हैं पा लेना, सब कुछ को हम कैसे पा सकते हैं, एक हमारा एक सर्टेन दायरा है, जानवर भी सोचता है अपने पेट तक सोचता है, ज्यादा से ज्यादा आसपास में सोचता है, पेट तक सोचता है, एक आदमी क्या पूरे दुनिया को चाहता है, पूरे दुनिया में हम पर सिम्टम क्या आता है, व्यवहार क्या होगा उसका, एकदम से नॉर्मल खतरनाक वाला, कोई क्राइम कर दिया उसे होश ही नहीं कि उसने क्या किया है, और जब नॉर्मल तो नॉर्मल की तरह बात करेगा, और जब नॉर्मल हुआ तो हमारा मर्डर कर देगा, खुद अपना भी जान ले सकता है, तो उसे खुद ही नहीं पता है वो कर क्या रहा, ठीक है। एक प्रकार का ये ठीक है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग है, ठीक है, कि थिंकिंग में क्या हुआ, बहुत सारे बात तय ही नहीं कर पा रहा, सोच ही नहीं पा रहा है, और कर रहा है कुछ, फिर करने कुछ और लगेगा, फिर कुछ जगह कुछ करने कुछ और लगा। कई लोगों को ये हैबिट पड़ता है शुरू से ही, बोल कुछ रहा है कुछ और बोलने लगा, कुछ और बोलने लगा तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और कर रहा है छोड़ दिया, कुछ और करने लगा, कुछ और करने लगा, कुछ और करने लगा, तो बार बार रास्ता बदलना, धीमे धीमे ये व्यवहार में शामिल हो जाता है, ब्रेन पे हावी हो जाता है, और कई दफ़ा इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। सिम्टम देखो यहाँ पे पढ़ो आप लोग, पहला क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव है, तीसरा क्या है कॉग्निटिव है, उसे लगता है कि वो ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाले को समझ में आता है कि ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एक्सप्रेशन की खबर डिफिकल्टी इन एक्सप्रेशन प्लानिंग लैक ऑफ मोटिवेशन आइसोलेटिंग डिस इंटरेस्ट इन डे टू डे लाइफ है ना, तो इस तरह का जो ठीक नहीं है ना, लाइफ में इंटरेस्ट रखना जरूरी है, क्लास व्लास में हमेशा आते रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, मोटिवेशन की कमी नहीं होना चाहिए, भावना व्यक्त कहीं ना कहीं किसी के ऊपर हमेशा किया करो, और यहाँ पे क्या है कॉग्निटिव मतलब वो मेंटल, तो डिफिकल्टी विथ अटेंशन एंड अप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस। कई दफा क्या होता है अटेंशन डिसऑर्डर बहुत लोगों को होता है, ये सब शुरुआती लक्षण है, और हमें लगता है कि हम सामान्य हैं, पर आप सामान्य होके भी सामान्य नहीं होते हो, ये सब एक ही तो बताए ना कि लाइफ ह्यूमन का है, हमारे बेकार का सपने पालने से कई तरह की समस्याएं पैदा होती, ठीक है।